जय हिंद साथियों, कल देश ने एक और अपना 26 वर्षीय फौजी पवन कुमार जम्मू कश्मीर में चल रहे एक एनकाउंटर में खो दिया। 26 फरवरी 2023 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को मार गिराया। दो दिन में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को ढूंढ निकाला और ऑपरेशन शुरू किया। कश्मीर के पुलवामा में चल रहे इस ऑपरेशन में दो आतंकवादी ट्रैप हुए। ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी भागकर पास के मस्जिद में छुप गया। कितने डरते हैं ये आतंकवादी हमारी इंडियन आर्मी से। जो लोग इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वहीं सिपाही पवन कुमार ने उसे ललकारा और आमने सामने की लड़ाई में उसे मार डाला। साथियों, जानकारी के लिए बता दें कि लड़ाई के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान आर्मी अस्पताल में वीरगति को प्राप्त हो गए। अपने परिवार के वह एकमात्र बेटे थे। वीर माता जब खेत में काम कर रही थी तभी उन्हें अपने बेटे के शहीद होने का समाचार मिला। हिमाचल प्रदेश शिमला के रहने वाले 26 वर्षीय पवन कुमार 2015 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वह घर का एक लौता चिराग था। पिता शिवपाल सिंह लोक निर्माण विभाग में कार्य करते हैं जबकि माता भजन दासी गृहिणी है। वीर माता रोजाना की तरह खेत में काम कर रही थी तभी उनके बेटे पवन के शहीद होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पूरे परिवार में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं स्थानीय शासन प्रशासन के लोगों ने शहीद जवान पवन कुमार को सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं उनके इस अदम्य साहस को नमन किया है। वहीं शहीद जवान पवन कुमार के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत माता के वीर सपूत शहीद जवान पवन कुमार सर को उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि वंदन करता हूँ। वहीं उनके वीर परिवार के लिए गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। शहीद जवान पवन कुमार सर का अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया जाएगा।